Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, World Human Settlements. Beta, human settlements. Settlements, yani ki wo group of residents jo human develop karta hai. Earth par human ke dwara develop kiye hue group of residents ko settlement hai. Right? See, the organized group of residents built and developed by men on the surface of the earth are called settlements. So human settlements are also called settlement colonies. Human settlements ko settlement colonies bhi keh sakte hain. Normally human jo hai permanent settlement karta hai, lekin kuch settlement temporary bhi hote hain, and they are isolated and compact also. Jo temporary settlements hote hain wo bikhre hue hote hain, isolated hote hain, ekant wale hote hain. जबकि जो ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट होता है वो सेटलमेंट गैदरिंग वाला होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है सेटलमेंट का. राइट, व्हाट आर द मेजर यूज बाय द ह्यूमन सेटलमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आंसर इज द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सेटलमेंट इज फॉर ह्यूमन रेसिडेंस, क्योंकि ह्यूमन का सेटलमेंट ह्यूमन के रहने के काम आता है. एंड नॉट ओनली फॉर रेसिडेंस, they are also used to fulfill the social, economic, cultural and religious activity in their settlement. Residents rehne ke to kaam aata hi hai, saath mein human ka settlement human ke social, economical, cultural aur religious activity ko karne wala sthan bhi hota hai, jahan ye sari cheeze human ki proper dhang se manage hoti hai. So residence, house, home aur place. So residence, house, home or place, they all are same. ये सभी क्या हैं? ये basic unit हैं settlement की, which can be a hut or a magnificent building. और human का settlement छोटी सी झोपड़ी भी हो सकता है और बड़ी आलिशान building भी हो सकता है. ये depend करता है कि human के economic status कैसे हैं. Settlement are group of houses ranging from 5 to 100 and thousand of houses. सेटलमेंट देखिए वो प्लेस होता है जहाँ पर कुछ घरों का समूह या बहुत सारे घरों का समूह भी हो सकता है. ये रेंज कर सकते हैं 5 से 100 या फिर 1000 घरों तक, जहाँ एक साथ घर बने हों, चाहे 5 हो 10 हो 15 हो 100 हो या 1000 हो या उससे भी कहीं ज़्यादा हो, तो उसे हम ह्यूमन का सेटलमेंट कहते हैं और इसे कॉलोनीज के नाम से भी जाना जाता है. तो द कॉलोनीज कैन डेवलप फ्रॉम ए स्मॉल सेटलमेंट टू सिटीज. नॉर्मली एक कॉलोनी जो होती है वो छोटे से सेटलमेंट से बड़ी बड़ी सिटीज तक, मेट्रोपॉलिटन कैपिटल्स, वर्ल्ड कैपिटल, मिलियन सिटीज, इन नामों से भी जानी जाती है. ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर घर कितने बने हुए हैं, कितने रेसिडेंट्स हैं, कितने ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स हैं. तो देर आर नैरो लेन, स्ट्रीट, रोड, कैनाल्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स एक्सेट्रा. और आजकल बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं उनकी तो कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं, जैसे उनमें नैरो लेन्स पाई जाएंगी, स्ट्रीट्स होंगी, रोड्स होंगी, कैनल्स भी होंगे, ट्रांसपोर्ट रूट भी होगा. तो यानी कि एक रेसिडेंशियल एरिया जो है होता है वो फुल ऑफ फैसिलिटीज होता है, जहाँ हर तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन की वो ह्यूमन पूरा. नाउ लेट अस डिस्कस ह्यूमन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू सम ज्योग्राफर. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश, नाम तो सुना ही है आपने, पॉसिबिलिज्म जो आइडिया था ये इन्होंने ही दिया था, चैप्टर 1 रिमेंबर. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश, सेटलमेंट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन फॉर हिज रेसिडेंस एंड टू कीप हिज विल. विडाल डी ला ब्लाश का मानना था कि रेसिडेंस वो सेटलमेंट वो हिस्सा है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है ह्यूमन, और वो स्ट्रक्चर वो अपने रहने के लिए और अपने वेल्थ को, अपनी संपत्ति को रखने के लिए काम में लेता है. इसी को ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है. तो अब ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत क्या ह्यूमन के आने से ही हो गई थी, और समथिंग डिफरेंट हैपेंड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन? यस, the journey of the settlement, the development of the settlement is started very late back,
in the human history. In the earlier time, human gathered from one place to another, and he is not preferring to live in the any residential area. पहले के समय में ह्यूमन जो है अपने रहने के लिए कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट नहीं बनाता था. जो हमारा एंशियंट ह्यूमन था कहाँ रहता था? वो तो गुफा में भी रह लेता था, पेड़ के ऊपर चढ़ के भी रह लेता था. लेकिन बाद में धीरे धीरे समय जब बदला, जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तब उसको नेसेसिटी महसूस हुई कि उसे अब किसी सुरक्षित तरीके से रहने की ज़रूरत है, किसी सुरक्षित एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है. और यहाँ से शुरू हुआ ह्यूमन का सेटलमेंट. जो जर्नी थी ह्यूमन सेटलमेंट की वो यहाँ से शुरू हुई, जबकि उसकी अपनी जर्नी एज अ फूड गैदरिंग और हंटिंग थी. तो आफ्टर डूइंग एग्रीकल्चर ही फाउंड सम परमानेंट रेसिडेंस, दैट इट वॉज वेरी नेसेसरी. और ज़रूरी क्यों था? ज़रूरी था क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, और इसके अलावा ज़रूरी था ह्यूमन का जो एनिमल्स वगैरह है उनके अटैक से बचाने के लिए. फिर एग्रीकल्चर कर रहा था तो बहुत ज़्यादा सरप्लस ग्रेन कल्टीवेट कर रहा था, तो सरप्लस ग्रेन को स्टोर करने के लिए भी उसको कुछ ऐसा ही लिविंग पैटर्न चाहिए था. तो इन एंशियंट टाइम्स ऑल ह्यूमन सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन पेस्टोरल नॉमेड्स. अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो सारे के सारे सेटलमेंट पेस्टोरल नॉमेड्स पर बेस्ड थे और फिर फार्मर्स पर बेस्ड थे. देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर सिक्योरिटी इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इंक्रीज्ड. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया और जैसे जैसे सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे मैटर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे नंबर ऑफ रेसिडेंट्स भी इंक्रीज होने लगे. देन पीपल बिगन टू लिव और पीपल बिगन टू बिल्ड हाउसेज एट डिफरेंट डिस्टेंसेज. और आपस में कॉन्फ्लिक्ट के कारण लोग दूर दूर अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर चुके. तो ग्रेजुअली ह्यूमन डेवलप, और इस तरीके से ह्यूमन जो है उसमें डेवलपमेंट नज़र आना शुरू. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ग्रू ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोड्यूस करना शुरू किया तो सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए ट्रेड फैसिलिटीज भी डेवलप की और ट्रांसपोर्ट भी नेसेसरी समझ जाने लगी. और इनकी वजह से सेटलमेंट में और भी इंक्रीमेंट देखने को मिला, और भी डेवलपमेंट देखने. देन लेटर ऑन ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर ऑफ विलेजेस इंक्रीज. आगे चल करके ह्यूमन टेक्निकल हो गया, उसने साइंटिफिक डेवलपमेंट किया, और ड्यू टू साइंटिफिक डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट विलेजेस के इंक्रीमेंट को भी शो करते हैं. एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ओल्ड विलेजेस द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन स्टार्टेड. और जैसे जैसे गांव की संख्या, गांव में घरों की संख्या बढ़ती गई, उसको एक नया सेटलमेंट नाम दिया गया और उसे शहर कहा जाने लगा. इट मीन्स टाउन स्टार्टेड अबव 5000 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ. देयर वर द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिटीज इन द इजिप्ट. सबसे पहले हम लोग सिटीज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट 5000 साल पहले हो गया था. और कहाँ देखा गया सबसे पहले? इजिप्ट में, अफ्रीका में है. इंडस वैली अनदर एग्जाम्पल, एंड यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस वैली इन ईरान. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिटी, राइट? सो द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज ओरिजिनली मेंट फॉर देयर रेसिडेंट. हम ये मानते हैं ह्यूमन सेटलमेंट बेसिकली किस लिए बना था? उनके रेसिडेंस के लिए बना था. तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट, द सेटलमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंड दीज टू पार्ट आर टेम्पररी और परमानेंट. तो अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट कि ह्यूमन किस तरीके से रह रहा है, कुछ समय के लिए सेटल हो रहा है या बहुत लॉन्ग बैक लॉन्ग टाइम के लिए सेटल हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम सेटलमेंट्स को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. लेट वी डिस्कस अबाउट टेम्पररी सेटलमेंट. So in ancient times, some settlements were built for time being for hunting, animal rearing, capability of weather and protective perspective. And in this modern era, temporary settlements are built for shifting agriculture by many tribes like Naga. So ज़्यादातर जो temporary settlement थे या तो पहले के human के द्वारा build किए जाते थे, क्योंकि human जो था वो food gatherer था.
और वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव ऑन करता था, इसीलिए वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाता था। ऐसा नहीं कि आज के इस मॉडर्न युग में कोई टेम्प्ररी सेटलमेंट नहीं बनाता, बनाते हैं। जो हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं वो आज भी टेम्प्ररी सेटलमेंट बना करके रहते हैं, क्योंकि हमारे ट्राइबल पीपल जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे प्रिमिटिव ह्यूमन रहता था। और फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द नागा ट्राइब डूइंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड दे मेड टेम्प्ररी सेटलमेंट। तो बेसिकली द टेम्प्ररी सेटलमेंट आर बिल्ड बाय टेंट्स till the availability of fodder to feed the animals by the Kyrgyz tribe in the steppes of Central Asia. Temporary settlement ज़्यादातर tents वगैरह का बनता है, आपने देखे होंगे tent के घर। और जो Kyrgyz tribe है जो कि steppes वाले grassland में पाई जाती है Central Asia में, उन वो भी अपने animals को एक जगह से दूसरी जगह पर carry on करते हैं, तो वो भी टेम्प्रेरी सेटलमेंट। टेम्प्रेरी अकोमोडेशन आर मेड विद रेंजियर एंड सील्स स्किन इन द समर्स फॉर द कंटेम्पेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वेदर बाय द एस्किमोस लिविंग द इग्लूज। ऐसा ही टेम्प्रेरी सेटलमेंट एक और ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है और उस ट्राइब का नाम है एस्किमोस। इसके बारे में भी आपने सेकेंड चैप्टर में सुना है। वेयर दे रिसाइड resides in the Alaska, Canada, Siberia region. They resides above the 70 degree latitude, right? And they make the temporary settlement with the help of seal skin and the bones of the reindeers. इन सबको मिला करके बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब वो अपना आइस वाला जो हाउस है उसको छोड़ रहे होते हैं पोलर रीजन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज द हैबिटेट क्रिएटेड बाय बुशमैन इन कालाहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, द बद्दू एंड द अरब ऑफ सहारा, द रेड इंडियंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पररी सेटलमेंट। दे आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पररी सेटलमेंट। ये कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल्स हैं जिनको यहाँ पर हम एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हैं। They made their temporary settlement. Why? Because they are not living a settled life. They are moving from one place to another in search of food. So that's why they prefer the temporary house. In India, basically in the Rajasthan, Rewari, Gayari, Banjaras of Marwa region, they also make some temporary accommodation. ये भी बनाते हैं अपना temporary accommodation. और इनका जो भी temporary accommodation है, वो season wise होता है। यानी कि इनका माइग्रेशन होता है सीजन के अकॉर्डिंग। और बिकॉज ऑफ दीज माइग्रेशन दे मेड सम टेम्पररी रेसिडेंस। तो टेम्पररी सेटलमेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू फुलफिल सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस द परमानेंट सेटलमेंट। तो व्हेन एंड हाउ डिड द परमानेंट सेटलमेंट ओरिजिनेट, यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की अभी। हमने बात की ट्राइबल पीपल्स की और अर्लियर ह्यूमन की, दे मेड देयर टेम्पररी सेटलमेंट। तो फिर परमानेंट सेटलमेंट की स्टार्ट कब से नोटिस किया गया? तो द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बट द स्कॉलर्स कंसिडर द स्टार्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट पोस्ट स्टोन एज। वैसे तो इसका आंसर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन रियलिटी कोई नहीं बता पाता कि टेम्पररी सेटलमेंट के बाद जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ। पर फिर भी कुछ स्कॉलर्स आइडिया लगाते हुए बताते हैं कि स्टोन एज का जो पोस्ट पीरियड चल रहा था तब से परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और जब परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो इट स्टार्टेड द परमानेंट रेसिडेंस। इट कैन बी सेड दैट विद द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन मैन बिगिन टू स्टे एज अ फैमिली परमानेंट सेटलमेंट हैव डेवलप्ड। माना जाता है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया और वो फैमिली बना करके रहने लगा, तो उस फैमिली के साथ ही परमानेंट सेटलमेंट का भी डेवलपमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एज अ ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट इससे कनेक्ट किया जाता है।
and the stability of human settlement depends on the some following reasons. क्यों start हुआ? Because local reserves of resources. क्योंकि human एक particular local area में जो reserve resources थे उन पर dependent होने लगा. Relation with the outer world. उसने relation शुरू किया अपना outer world के साथ. Possibility of future advancement and development. कहीं ना कहीं उसको possibility नजर आई future advancement. Security. Yes, security is one of the basic necessity, a basic reason for the permanent settlement. क्योंकि human को अपने आप को secure करके रहना था. And also, the permanent settlement are the reason of religious and cultural and economic factors. These are the some of the reason behind the stability of human development, human settlement development. So human settlements are constructed to fulfill the following objective. Human settlement जो है वो इसलिए construct किए गए ताकि कुछ objectives को human के objectives को उसकी necessities को पूरा कर सकें. क्या necessities थी? पहला, to reduce the hardness of physical environment. ताकि जो physical environment का hardness उसको reduce किया जा सके. That is to protect against vagaries of weather. Vagaries of weather means जो weather की differentiations हैं. कभी बहुत तेज गर्मी पड़ना, कभी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ना, कभी बारिश आ रही है, तो ऐसी संभावनाएं जो होती हैं इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन ने इस जो फिजिकल हार्डनेस थी, इस क्लाइमेटिक हार्डनेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ह्यूमन ने सेटलमेंट स्टार्ट किया. सेकेंड रीजन, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स. जब ह्यूमन एग्रीकल्चर करने लगा उसने सरप्लस ग्रेन उगाए. अब उसको सेव करके रखना, उसको स्टोर करके रखना आगे के समय के लिए जरूरी हो गया. एंड दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड रीजन बिहाइंड द ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट. थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जब तक ह्यूमन खुद वाइल्ड लाइफ जी रहा था तब तक तो उसे किसी जानवर से डर नहीं लगता था, लेकिन जब वो सेटल लाइफ जीने लगा तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेचर से कम होना शुरू, और अब उसे वाइल्ड एनिमल से डर भी लगा. तो अपने सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन ने सेटल हाउसेस बिल्डअप करने शुरू किए. देन फॉर सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द रीजन बिहाइंड द ह्यूमन सेटलमेंट. दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. And last but not the least, to live a family-oriented and luxurious life. Human का अगर हम modern objective सोचें settlement का, तो yes, it is very true then that human wants to live a family-oriented and luxurious life. For this, he settled at a place. Now let us classify the human settlement. So according to the natural conditions and the basic functional human settlement, the settlement is classified under two part, that is rural settlement and the urban settlement. Human ने जब रहना शुरू किया तो कुछ, अभी हम आपको changes भी बताएंगे. यहाँ पर हमने human settlement के according human settlement को दो part में divide किया है. One settlement is called rural settlement and another one is called urban. So let me discuss about some rural settlement. Economy of rural settlement depends on which? Depends on primary occupation. This is a common indicator of human rural settlement. ज़्यादातर rural settlements जो हैं, या almost सभी rural settlements जो हैं, उनका सबसे main जो dependence है occupation का, वो primary occupation है. For example, agriculture, animal husbandry, lumbering, fisheries, mining and food gathering from forest. These are some of the example of rural settlement. All right, so these are some of the primary occupation which is done in the rural settlement area. Rural settlement is primarily based on the exploitation of land. But the effect of modernization on rural settlement is negligible. Agar hum dekhe modernization ka jo effect hai rural settlement par negligible hai, yani ki jitne bhi technical changes aa gaye hain wo utne zyada इसको इफेक्ट नहीं करते. देयरफोर
there is a strong social organizations and strong human value. अब यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि भाई किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज हैं, स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है. बेटा आप खुद देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे अर्बन एरियाज में लिविंग सिस्टम को रूरल एरिया से, तो रूरल एरियाज में पूरा गांव एक दूसरे के लिए कुछ भी करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, मतलब एक सोशल तरीके से बहुत ही कनेक्शन होता है. जबकि अर्बन एरियाज में बगल के घर में क्या हो रहा है वही लोगों को नहीं पता होता. Yet, I am here talking about this kind of social organization, this kind of strong human values, right? Now, types of rural settlement. The division made on the basis of the number of houses and distance between them is called the types of settlement. हम यहाँ पर rural settlement को दो basis पर classify कर सकते हैं. एक तो division, number of houses, कितने number of houses हैं एक particular area में, और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा है. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड सिक्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर टाइप्स ऑफ रूरल. इस टाइप के जो रीजन है क्यों हम इतने वेरिएशंस की बात करें, क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी और कल्चरल फैक्टर, सोशल कल्चरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. तो जनरली देर आर फोर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स फाउंड. First is compact or clustered, second is scattered, then composite or mixed settlement, and then hamlet or palli settlement. What is the meaning of composed? What is the meaning of compact or clustered settlement? So in these settlements, rural settlements are also known as the concentrated, compact, centralized, clustered, etc. ये कुछ ऐसे word हैं जो normally रूरल सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारी घनी आबादी वाले गांव आपको मिल जाएंगे, ऐसे गांव जिसमें बहुत सारे घर हैं. कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट डेवलप एंड फर्टाइल प्लेन, ज़्यादातर ये आपको फर्टाइल प्लेन में, प्लेन एरियाज में डेवलप मिलेंगे. और ऐसे फर्टाइल प्लेन एरियाज जहाँ पर एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो, in which the houses are near and entire village is densely settled. ये ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा गांव काफी densely, बहुत ही घने तौर से बसा होता है. Roads are built along with them for easy access. इनमें गांव में सड़कों की भी व्यवस्था होती है ताकि गांव के हर घर तक पहुंचा जा सके. And these rural areas also having school as well as social and religious buildings too. In गाँव में social and religious buildings, schools वगैरह सब मिलेंगे, right? So what are the basic characteristics of the compact settlement? These settlements are usually built at high places which are safe from floods and middle of fields. पहली बात कि rural settlements, compact rural settlement basically डेवलप किए जाते हैं हाई प्लेसेस पर, ऊंची जगह पर, ताकि फ्लड से प्रोटेक्शन मिल सके, बाढ़ का पानी जो है वहां ना. ऑल हाउसेस आर क्लोज टू ईच अदर, भाई कॉम्पैक्ट की बात है, डेंसली बसे होते हैं, तो ज्यादातर सभी हाउसेस कहाँ होते हैं, सब एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं. ऑल हाउसेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस एंड दे फेस एक्सटर्नल अटैक्स यूनाइटेडली. सारे ही घर जो हैं काफी अच्छे से कंसंट्रेटेड होते हैं, एक जगह पे बसे होते हैं, और कोई भी एक्सटर्नल अगर अटैक होता है तो उसका एक साथ मिलकर के सामना करते हैं. इन द कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट इफ ड्यू टू द सोशल बॉन्ड दे आर इन्वॉल्व इन द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ ईच अदर. इन कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट में जो लोगों का बॉन्ड है काफी सोशली कनेक्टेड होता है, और इसी सोशल बॉन्ड की वजह से वो एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सेदार होते हैं. नंबर ऑफ ड्वेलिंग कैन रेंज फ्रॉम 40 टू 50 टू 100, और यहाँ पर जो घर पाए जाते हैं वो 40, 50 से 100 तक भी हो सकते हैं. एंड देयर पॉपुलेशन कैन बी 500 टू 1000 और मोर डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल रिसोर्स. नॉर्मली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो पॉपुलेशन कवरेज होता है 500 या 1000 लोगों का, या फिर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी.
अगर रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो पॉपुलेशन और इंक्रीज हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर. तो ऐसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे सेटलमेंट पाए जाते हैं जहाँ पर रिवर वैली एरियाज होते हैं, फर्टाइल प्लेन्स होता है वहाँ पर. अगर हम इंडिया की बात करें तो दीज काइंड ऑफ सेटलमेंट फाउंड इन गंगा, सतलुज प्लेन, मालवा प्लेटू, विंध्यन प्लेटू, नर्मदा वैली एंड प्लेन्स ऑफ राजस्थान. दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर द डेंस पॉपुलेशन फाउंड, वेयर द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फाउंड. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द सेकेंड, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट. नाम से ही पता चल रहा है, स्कैटर्ड बिखरे हुए, आइसोलेटेड एकांत वाले. तो सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर स्कैटर्ड एंड डिस्पर्स्ड, तो हाउसेस बिल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर. नाम से क्लियर हो रहा है, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए. तो ऐसे सेटलमेंट में हाउसेस जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं एंड बेसिकली दे लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड. क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी? पहली, द हैबिटेट्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट. द पीपल लिव इन आइसोलेशन, आइसोलेटेड होकर के रहते हैं. आजकल तो आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे आइसोलेटेड वर्ड से. पीपल आर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कैटर्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल द हाउसेज, द हैबिटेड एरिया आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. आइसोलेटेड है यानी कि अकेले अकेले घर बने होते हैं, तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं घर. People live in isolation. People are accustomed in the independent living. Prefer करते हैं, ऐसे घर उन्हीं लोगों के होते हैं जो prefer करते हैं अकेले में रहना. The feeling of cooperation between each other is very less. ना के बराबर होती है. दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से अलग होकर के रहते हैं, तो आपस के cooperation की जो feeling होती है ये भी ऐसे घर के लोगों में, ऐसे humans में कम पाई जाती है जो prefer करते हैं isolated. And there is a feeling of high and low among the caste evolved in the agriculture. और ऐसे लोगों में खास तौर से ऊंचे और नीचे वाला जो फीलिंग होती है, अमीर गरीब वाली फीलिंग, ये बहुत ज्यादा होती है. डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? इन द नॉर्थ अमेरिका, द प्रेरी रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कैनेडा, द स्टेपीज ऑफ एशिया, द खादर रीजन ऑफ गंगा. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको आइसोलेटेड घर ज्यादा? इन द नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली द प्रेरी रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टेट्स, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ पर बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहाँ खेती होती है और बहुत दूर दूर घर मिलते हैं. एक फार्म में एक घर और वहाँ एक फैमिली सेटल है. इसी तरीके से कैनेडा के लैंड एरियाज, स्टेपीज ऑफ एशिया, खादर रीजन्स ऑफ गंगा, द हिमालयन माउंटेन्स रीजन, द तराई एंड द भाबर रीजन, and in mid south america, so basically the pampas of argentina, downs of australia. Here students, the downs, the pampas, the prairies, the steppes, these are some of the name of grasslands. These are the grassland areas. So basically the grassland areas are full of isolated settlement. ये मिलते हैं आपको आइसोलेटेड सेटलमेंट वाली रीजन. दिस इज द वेल्ड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट. प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज, वेल्ड, ये सब घास भूमिया हैं. एंड इवन इन इंडिया, बेसिकली इन राजस्थान, द उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड द डेजर्ट एरियाज आर ऑल्सो हैविंग स्कैटर्ड सेटलमेंट. In the desert area of Rajasthan, the scattered type of settlements found. So these are some of the characteristics and the examples of the scattered settlement. Let's move to the third kind of settlement, and this kind is called the composite or mixed. Here again, try to understand by the word mixed. मतलब मिला जुला. और मिला जुला कैसा? Compact or scattered का मिला जुला रूप. These settlements are also called semi-compact. अब ऐसे settlement को semi-compact या semi-clustered settlement के नाम से भी जाना जाता है. This is a condition between dense and scattered. ये condition होती है dense settlement और scattered settlement के बीच की. तो ऐसे settlements क्यों बनाए जाते हैं? Which usually arise due to the increase in the number of families.
और इसकी वजह से जो रेसिडेंस होता है वो बढ़ने लगता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट था पर परिवार बढ़ गया, फिर उसने भी वहीं आसपास घर बना लिया, फिर उसका और परिवार इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आइसोलेटेड सेटलमेंट जो है वो सेमी क्लस्टर में और आगे चल करके फिर एक क्लस्टर में भी चेंज होने के चांसेस होते हैं इनमें। एंड फैमिली रीजंस आर द रिस्पॉन्सिबल इन प्लेस ऑफ एनवायरमेंटल रीजन। इसका मेन रीजन फैमिली रीजन है। लाइक विलेज खुर्द ऑफ संगोद तहसील इन कोटा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। नाउ फोर्थ, हैमलेट और पल्ली सेटलमेंट और ओल्ड सेटलमेंट। हाउसेज इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बट आर इन द सेम सेटलमेंट। हाउसेज अलग होते हैं दूसरे के पर एक ही जैसा सेटलमेंट होता है। दैट इज वाई दे ऑल हैव वन नेम। डिफरेंट कास्ट पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेटलमेंट एंड बेसिकली द हैमलेट और द पल्ली सेटलमेंट are found are visible in the lower valleys of mountain range and the basically mining areas. Basically they found in the mining area. So these are some of the example of the human settlement, the rural settlement. Now let us discuss some of the pattern of rural settlement. Abhi to humne number of houses ke according inko classify kiya tha. Ab yahan hum isko pattern ke according classify kar rahe hain कि गांव किस पैटर्न पे बने हैं। तो डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ इनहैबिटेड एरिया इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं एंड दीज शेप्स आर डिपेंड ऑन सम नेचुरल फैक्टर्स। ऐसे शेप्स का फॉर्मेशन कुछ नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे कि टाइप्स ऑफ सरफेस, रिवर, वाटर बॉडीज and also some of the historical factors, social cultural factors are also responsible. Transport would be responsible hota hai, regional places be responsible hota hai. So to determine the pattern of the rural settlement, the following patterns of rural settlements are found. First, linear pattern. Linear pattern mein kya hota hai? Ek sadak hai, uske dono taraf ghar ban jaye, ise hum linear pattern kahenge. Sadak hai ya nadi hai, nadi ke dono taraf ghar bane ho, या समुद्र का किनारा है उसके एक तरफ घर बना हो बिल्कुल लाइन से, तो उसको कहते हैं लीनियर पैटर्न। तो व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसेज इन द रूरल एरियाज इज अलोंग विद द रोड, तो व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसेज इन द रूरल एरियाज इज अलोंग विद द रोड रूट, रेल रूट, कैनल, रिवर वैली और अलोंग सी कोस्ट, लीनियर सेटलमेंट्स डेवलप एंड द हाउसेज आर नियर बाय द क्यूड इन दिस पैटर्न। क्यू से एक पैटर्न पे लाइन से बने होते हैं घर। एंड सच हैबिटेड आर फाउंड इन द गंगा यमुना प्लेन एंड इन द मिड हिमालयन रीजन। द बरवाड़ा विलेज ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ लीनियर पैटर्न। बरवाड़ा गांव जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लीनियर सेटलमेंट का। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियर, पाथ ओरिएंटेड एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न। आगे इमेजेस दे रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। नाउ एरो सेटलमेंट। एरो कैसा होता है? ऐसा। यहाँ सेटलमेंट भी ऐसा ही है। द सेटलमेंट ऑफ दिस पैटर्न डेवलप्स एट द हेड ऑफ द फोरलैंड बिटवीन टू रिवर्स और अलोंग अ रिवर मीन। ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, यहाँ पे नदी मिल रही है, ये लैंड एरिया है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप, यहाँ पर डेवलप। तो ऐसा डेवलपमेंट लीनियर सेटलमेंट। बेसिकली ऐसे सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर भी या तो मियंडर हो और या फिर दो रिवर्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ऐसे सेटलमेंट्स वहाँ देखने को मिलते हैं। द लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट इन द फ्रंट साइड। और इसकी खासियत ये होती है कि फ्रंट साइड में लैंड अवेलेबल नहीं होता है डेवलपमेंट, क्योंकि नदी है तो इसको आगे यहाँ से बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। और द बाउंड्री ऑफ द रिवर्स प्रिवेंट्स इट्स डेवलपमेंट। और ज़्यादातर ये सेटलमेंट की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स का होता है एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स बैक साइड। और ज़्यादातर ये सेटलमेंट अगर डेवलप ही होता है तो बैक साइड को डेवलप होता है, फ्रंट साइड में तो नहीं डेवलप हो सकता। तो ज़्यादातर अगर ग्रोथ भी होती है सेटलमेंट में, अगर बढ़ता भी है सेटलमेंट तो बैक साइड में बढ़ता है, लाइक कन्याकुमारी इन द साउथ इंडिया।
कन्याकुमारी लास्ट स्टेप है, उसके बाद में फिर समुद्री इलाका है, तो सेटलमेंट आगे नहीं जा सकता है, पर हाँ इसके पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे उड़ीसा में है चिल्का लेक, तो चिल्का लेक का जो कोस्ट है उसके बाद आगे समुद्र है, तो ये सेटलमेंट पीछे की तरफ डेवलप होगा, राइट? होप यू अंडरस्टैंड द एरो शेप सेटलमेंट। नाउ ट्रायंगुलर पैटर्न, व्हेन द रिवर्स कैनल्स और रोड्स कन्फ्लुएंस एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर कोई रिवर कैनल या रोड कन्फ्लुएंस हो, आपस में मिले लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे सेटलमेंट्स को ट्रायंगुलर सेटलमेंट कहा जाता है। द ट्रायंगुलर पैटर्न इज फॉर्म्ड एंड टू डेवलप सेटलमेंट एट सच कॉन्फ्लुएंस साइट्स, सेटलमेंट डेवलप्स बोथ ऑन द लैंड एंड साइड द ट्रायंगल क्रिएटेड बाय बोथ रिवर्स कैनल्स और रोड्स। इन इंडिया सच सेटलमेंट पैटर्न आर फाउंड इन हरियाणा एंड, ऐसे सेटलमेंट हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। देखो ये है एरो शेप, ये यहाँ पर मान लो समुद्र है, सी है, और ये यहाँ पर सेटलमेंट बढ़ रहा है, और बढ़ेगा कहाँ पे? यहाँ फ्रंट में नहीं बढ़ सकता है, बैक में बढ़ेगा, ठीक है? ये है लीनियर, ये सड़क है या कोई नदी है, नदी के ऊपर देखो एक पुल बना रखा है, ठीक है? तो आने जाने का रास्ता हो गया, इसके दोनों साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों साइड में इसके घर हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको शेप ड्रॉ कर रखा गया है, वो की आपको समझ भी आ रहा है, राइट? नाउ रेक्टेंगुलर और चेकर बॉक्स पैटर्न। देखो ट्रायंगुलर में क्या होगा कि ये दो तरफ से तो मान लो नदियां आ गई, ठीक है, और यहां से कोई सड़क आ गई, तो कुछ इस तरीके का शेप डेवलप हो जाएगा। सड़क के इधर भी घर है, इस वाली सड़क के इधर भी घर है, इधर भी, जैसे जो एरो सेटलमेंट है, एरो में तो एक तरफ खुला हुआ है, पर ट्रायंगुलर में बीच में सेटलमेंट डेवलप होता है, और ये सेटलमेंट जो है सड़क की वजह से किसी भी तरीके से एक तरफ से और भी ब्लॉक हो जाता है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल जैसे बनता है, सी When two roads cross each other, ये एक रोड ये गई और एक रोड ये गई, तो इसके मीटिंग पॉइंट के चारों तरफ यहाँ से एक सेटलमेंट ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब अगर इसकी इमेज लेंगे तो ये कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर शो होगा, राइट? सी बाय दिस इमेज, दिस इज द रोड वे, अ रोड क्रॉसेस, एंड हियर एंड हियर some of the houses develop. This shows a good, this is a good example of linear settlement, right? और ये देखो हनी बी सेटलमेंट। हनी बी सेटलमेंट कैसा होता है? बिल्कुल जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, छोटे 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 घर पूरे एरियाज में डेवलप हो जाते हैं, उसको कहते हैं हनी बी सेटलमेंट। रेडियल, when metalled or unmetalled roads from various direction meets at a place in a village, यहाँ से भी घर है, यहाँ से भी एक सड़क आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ एक ही जगह पे मिल रही है, यहाँ पे सर्कल है मान लीजिए, तो यहाँ जो घर डेवलप होंगे और ये जो सेटलमेंट नजर आएगा इसे कहेंगे रेडियल सेटलमेंट। व्हेन मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन मीट एट अ प्लेस इन अ विलेज, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रेडिएटिंग रेडियस आउटवर्ड्स, बट ऑल द स्ट्रीट्स आर नॉट पैरेलल फ्रॉम द मेन इंटरसेक्शन, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के इंटरसेक्शन पे। सच पैटर्न्स आर फाउंड इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ वर्ल्ड विद अ डेंस पॉपुलेशन, और ऐसे सेटलमेंट्स ज्यादातर फर्टाइल प्लेन पे मिलते हैं जहाँ डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ मॉडल इज विजिबल इन द अपर गंगा प्लेन एंड तमिलनाडु इन इंडिया। देन सर्कुलर, ऑफन शेप ऑफ द सेटलमेंट बिकम सर्कुलर विद द बिल्डिंग ऑफ हाउसेज अराउंड अ लेक। मान लो ये एक लेक है और लेक के चारों तरफ घर बन गए, या किसी पॉन्ड के चारों तरफ, या कुआं है बीच में उसके चारों तरफ, या फिर कोई फोर्ट है या रिलीजियस साइट है, कोई मंदिर है और उसके चारों तरफ अगर घर बन गए सर्कुलर पैटर्न पर, तो उस पैटर्न को ही सर्कुलर पैटर्न कहेंगे। द न्यूक्लियस पैटर्न, इट इज इनिशियल एज, और जब पहले न्यूक्लियर पैटर्न होता है धीरे धीरे वो पैटर्न इंक्रीज होकर के सर्कुलर का शेप ले लेता है, पर इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? बीच में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट साइट होना चाहिए, चाहे वो इम्पॉर्टेंट साइट मंदिर हो, पॉन्ड हो,
कोई लेक हो, राइट? स्टार पैटर्न, स्टार पैटर्न डेवलप्स इन फॉर्म ऑफ रेडियल पैटर्न. रेडियल पैटर्न जैसा ही स्टार पैटर्न डेवलप होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जाकर के क्या होता है, धीरे धीरे पैटर्न जो है बढ़ने लगता है आउटर एरियाज की तरफ. तो वो पैटर्न जो है जो सर्कुलर डेवलप हुआ था आगे चल करके तारे जैसा नजर आता है. जैसे एक तरफ ये बढ़ा, ये पॉन था और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था. पहले तो क्या वो चारों तरफ घर बन गए, फिर ये घर ऐसे बढ़ने लगे, ये क्या बन जाएगा, एक तारे जैसी आकृति बन जाएगी, स्टार जैसी. दिस इज कॉल्ड फैन पैटर्न, पंखे जैसा. पंखे में क्या होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं. तो जिस तरह से पंखुड़ियाँ होती हैं वैसे ही बीच में कोई चीज मेजर हो और उसके तीन तरफ या चार तरफ डेवलप हो जाए हाउसेज. व्हेन हाउसेज आर बिल्ट अराउंड द सेंट्रल फेस इन अ विलेज आफ्टर विच द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट इज इन द लीनियर पैटर्न. ये पॉन्ड है और उसके बाद लीनियर पैटर्न पर डेवलपमेंट शुरू हो जाए. पहले तो इस तरीके लग रहा है ना पंखे जैसा, इस सेटलमेंट को कहते हैं फैन पैटर्न. एंड देन रैंडम पैटर्न. रैंडम पैटर्न में कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडमली जैसे भी घर होते हैं. व्हेन मैन कंस्ट्रक्ट हाउसेस विदाउट एनी प्लान अकॉर्डिंग टू हिज विश द शेपलेस हैबिटेट डेवलप्स. रैंडम है, कोई शेप नहीं होता, जैसे भी ह्यूमन की विश होती हो वैसे ही घर डेवलप कर देता है. रोड्स एंड स्ट्रीट डेवलप लेटर ऑन द रेस्ट ऑफ द लैंड. पहले नहीं सोचता है कि सड़क कहाँ से जाएगी, बाद में अगर इसका डेवलपमेंट हो और ऐसे डेवलपमेंट जहाँ भी मिले उसे रैंडम डेवलपमेंट कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी. ज्यादातर विलेजेस जो है इंडिया के इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. रैंडम बेसिकली इन द बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बारा लिसाड़ी विलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस पैटर्न. इसका कोई पैटर्न ही नहीं है इन रियलिटी, गुड एग्जाम्पल है. नाउ टेरेस और स्टेयरकेस पैटर्न. दीज टाइप्स ऑफ विलेजेस आर लोकेटेड ऑन द माउंटेन स्लोप्स. ज्यादातर जो माउंटेन के स्लोप होते हैं वहां पर मिलेंगे आपको टेरेस शेप के पैटर्न. सीढ़ीनुमा, जैसे खेती होती है वैसे घर भी बनाए. हाउसेज आर इंटरकनेक्टेड बट मीट इन बोथ फॉर्म्स. द रोज ऑफ दीज हाउसेज आर विजिबल एट मैनी लेवल्स लाइक स्टेप्स. जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं वैसे नजर आएंगे. और बेसिकली इन द हिमालयाज, रॉकी एंडीज, आल्प्स, माउंटेन रूट, दीज काइंड ऑफ रूरल सेटलमेंट्स फाउंड. हनीबीज पैटर्न. द हैबिटेट ऑफ इंडियन ट्राइब्स, डोम लाइक खट्स, विलेज ऑफ तोड़ा ट्राइब, कोस्टल फिशरमैन्स विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश, जुलू हैबिटेट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ दिस पैटर्न. इसमें होता क्या है कि जो घर होते हैं, जो हट्स होती हैं, वो उनकी छत गोल होती है डोम शेप की, और ऐसे घर जो है एक बिल्कुल क्लस्टर में नजर आते हैं. और बेसिकली ऐसे जो सेटलमेंट हैं ये ट्राइबल पीपल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. इवन हमारे इंडिया में जो कोस्टल फिशरमैन्स हैं आंध्र प्रदेश के, जुलू हैबिटेट जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का, जुलू जनजातियों का, ये सब कुछ ऐसे ही पैटर्न के एग्जाम्पल हैं. अदर पैटर्न्स में स्लोपी पैटर्न, स्पाइडर पैटर्न और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं. पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, जैसा भी शेप नज़र आ रहा है हम उस पैटर्न को वैसा नाम दे देंगे. और उनमें से कुछ पैटर्न्स यहाँ जो हमने डिस्कस किए, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैटर्न. Now student, let me discuss some of the problem of rural settlement. Rural settlements में बहुत सारी problem का सामना करना पड़ता है rural peoples को, जैसे कि lack of means of transportation. Yes, transportation का बहुत अभाव होता है, बहुत कमी होती है. Basically we are talking about public transport. In the rural areas, the public transportation for reaching is very lack, very less public transports are available in the rural area. It means the entire transportation depends on the personal means of transport. If the rural people having their own vehicle, then it's okay. Otherwise, they are suffering very much. अगर rural people को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो या तो सिर्फ उन्हें अपना personal transportation use करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो public transport जैसे buses वगैरह होती है government running, वो available नहीं होती है. बहुत कम ऐसे villages होंगे इस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी. नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. नॉर्मली इन द रूरल एरियाज
the drinking water is one of the major problems faced by the rural people. And due to this, many of the rural residents are suffering from many diseases because they drink unhealthy water. Third, lack of health services. Residents here have to go to the nearby town for getting small health facilities due to the lack of health facilities. गांव में normally rural areas में बड़े अस्पताल या अच्छी तरीके से जो full of occupied होते हैं better means से ऐसे अस्पताल बहुत कम मिलते हैं, ऐसे hospitals बहुत ही कम होते हैं और उनके absence में ज़्यादातर जो rural peoples हैं वो इलाज के लिए अपनी छोटी मोटी बीमारी के लिए भी शहर तक आना पड़ता है. And in the absence of means of transportation due to non-availability of treatment on time, the patient dies. ऐसा normally देखने को मिलता है क्योंकि हमने अभी पहले discuss किया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है transportation की. और अगर समय पर वक्त पर transportation नहीं मिलता तो कई बार ऐसा होता है कि बीमारी में लोगों की जान तक चली जाती है. Now lack of power supply. Power supply भी बहुत कम होती है, shortage होती है पावर सप्लाई की या फिर इरेगुलर होती है, प्रॉपर अमाउंट में पावर सप्लाई नहीं मिलती रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से डेली और एग्रीकल्चरल वर्क जो है रूरल एरियाज का काफी नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. दिस ऑफ कोर्स ओनली एग्रीकल्चरल रिलेटेड और ओनली प्राइमरी सेक्टरल एक्टिविटीज आर डन इन रूरल एरियाज एंड विद नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. थ्री टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली फाउंड इन रूरल एरियाज: full employment, hidden employment and seasonal employment. And due to these unemployment conditions, the people of the rural areas bound to migrate in search of employment towards the city. And they lead a hellish life due to low wages. इसलिए ज़्यादातर जो rural people होते हैं, low wages की वजह से उनकी life भी बहुत ही ज़्यादा hellish होती है एकदम. Now lack of information technology and telephone facilities. Modern facilities are also not available in most of the villages. These rural habitations are not connected with information technology like internet or telephone facilities, etc. So, due to which people have to go to adjoining towns or cities for small work. And thus, it is a kind of wastage of money and time. छोटे छोटे कामों के लिए भी nearby town जो होता है, cities होते हैं, वहाँ तक rural people को जाना पड़ता है, जिससे समय की और पैसे दोनों की बर्बादी है. And last but not the least, lack of higher end technical. Yes, in the rural areas, the higher end technical educations, the higher and the technical educational institutes are also very less found in the rural area, and most of the young men have to drop their study after the primary or upper primary or secondary or secondary. Colleges, universities, ऐसी facilities जो है education से related rural areas में नहीं मिलती है. और इसकी वजह से अगर rural people के पास, अगर किसी youth के पास पैसा नहीं है या फैमिली प्रेफर नहीं करती है हायर एजुकेशन बाहर रीच करके करवाना, तो बाउंड हो जाते हैं ये लोग अपनी स्टडीज छोड़ने की. तो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रूरल एरियाज. होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक वेल. द अर्बन सेटलमेंट वी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.